ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना, है ना। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन, है ना। तो मैं पहले थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ अपन ने क्या देख चुके हैं पहले और दूसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर में अपन ने देखा था कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है ना। क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है वो अपन ने देख लिया था अरेंज करने के लिए। उसके बाद फिर अपन ने देखा था टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें प्रपोज करना चालू कर दी थी, है ना। जैसे कि क्या, जैसे कि डॉबरवीनस के ट्रायड आए थे, ठीक है। फिर ट्रायड के बाद न्यूलैंड का लॉ आया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया अपने पास, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आया, उसके बाद फिर अपने पास आए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट काम कोई हिस्ट्री में हुआ है तो वो कौन सा हुआ था, मेंडलीव के द्वारा किया गया था जो कि पीरियोडिक टेबल दी थी। लेकिन उनकी पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या बताया था मैंने, याद है तुम लोग को? हाँ, कोई भी बोल सकता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या बताया था मैंने उनकी पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव की? इसको हाँ हाँ स्निग्ध सब बता। वो पे बेचती। हाँ, बेसिकली वो किस पे बेस थी, वो एटॉमिक मास पे बेस थी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, है ना। ओके, तो मास पे बेस थी तो उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स आ गए थे बेसिकली, डिफेक्ट या अपन बोल सकते हैं कि भाई जिनका मास ज़्यादा था उनको भी पीछे प्लेस कर दिया था, जिनका मास कम था उनके कंपेरिजन में, ठीक है। और लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की पोजिशन नहीं आ पाई थी, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। फिर अपन ने कल स्टार्ट किया था जो अपन आज मेनली देखने जा रहे हैं कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड है और क्या क्या होने वाला है ना। तो ये दो चीज़ें अपन को लास्ट लेक्चर में आता क्लियर हो चुकी। तो देखो आज अपन पढ़ते हैं, तो हेडिंग तुम लोग सब डाल लो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सब लोग हेडिंग लगाना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिर सबसे बड़ा टॉपिक है ना सर पूरे चैप्टर का। हाँ, ऐसा भी मान सकते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडिफाइड। एंड मॉडिफाइड हेडिंग थोड़ी सी बड़ी है, एंड मॉडिफाइड मोडिफाइड नहीं है, ठीक है। एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अरे मेंडलीव्स मोदी क्यों पढ़ेगा कोई। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बेसिकली अपन क्या देखने वाले कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था और मेंडली पीरियोडिक टेबल क्या आई थी, ठीक है। अब देखो एक बात मैं तुम लोग को बताता हूँ, ये तुम लोग को यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, ठीक है। तो ये वाली जो पीरियोडिक टेबल है इसको कंपेयर करो ये वाली से, तो ये कुछ डिफरेंट दिख रही है क्या, ये वाली पीरियोडिक टेबल से ये वाली, कि सेम ही लग रही है कि नहीं, सर डिफरेंट है? क्या लग रहा है तुम लोग को? डिफरेंट 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 लग रही है, तो डेफिनेटली डिफरेंट है। लेकिन ये वाली जो पीरियोडिक टेबल है ना, कौन सी वाली, मैं यहाँ स्केच कर देता हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा। ये वाली जो पीरियोडिक टेबल है ये बेसिकली डेफिनेटली डिफरेंट है, पर ये भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है, ठीक है। तो अब तुम लोग बोलोगे कि सर कैसे, ये तो देखो यहाँ पे क्लियरली ये जो ब्लॉक्स हैं ये तो अलग स्ट्रक्चर ही डिफरेंट लग रहा है। तो डेफिनेटली इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स डेफिनेटली डिफरेंट है। बट हुआ क्या, ये वाली जो इसको जो अपन ये वाली जो टेबल है इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड या फिर लॉन्ग फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म मतलब बेसिकली क्या, एक्सपांडेड है ये थोड़ा सा। देखो मैं बताता हूँ कैसे, तुम ये वाली टेबल को ज़रा ध्यान से देखो। बेसिकली ये वाली टेबल जो अपन देख रहे हैं ना, ये वाली मेंडलीव की मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है। मतलब मेंडलीव की टेबल कैसी थी, ये देखो मेंडलीव भी दिखा देता हूँ एक बार फिर से। ये देखो ये वाली मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, तो लेकिन ये किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट आए थे, एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मोस्ले, ठीक है। ऐसा मूली नहीं, मोस्टली नाम था उनका। तो बेसिकली उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि भाई जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास के बेस पे नहीं, एटॉमिक नंबर के बेस पे होनी चाहिए। तो उसके बाद उनके एक सजेशन के बाद बेसिकली ये वाली टेबल बनाई गई। तो इसमें क्या है, ये वाली टेबल में देखने लायक क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे जो ग्रुप्स ऑफ पीरियड है ये वाला क्या है हॉरिजॉन्टल, ये वाले क्या है ग्रुप्स हैं बेसिकली, है ना, हॉरिजॉन्टल ग्रुप, ठीक है। और ठीक है ये अपने पास ये ग्रुप्स हैं, तो ये वाले जो ग्रुप है देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। ये वाले, अच्छा सुनो एक गलती है यहाँ पे, ये ग्रुप है कि पीरियड है? हाँ बोलो। ये ग्रुप है नहीं ये पीरियड है, अरे मैंने तुम लोग को बताया था ना, पीरियड है ना, हॉरिजॉन हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ठीक है, या फिर पेट्रोल पंप, तो HP, तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, पीरियड होता है, और VG वर्टिकल क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्रुप है, ठीक है, और ये क्या है, ये पीरियड्स है, ठीक है। तो ध्यान से देखो तुम्हें यहाँ पे कितने ग्रुप दिख रहे हैं, यहाँ पे अपन को पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, ऐसे सो ऑन अपन को ये ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो जैसे कि अपने पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल तक आ गया,
ठीक है। यहाँ पे सिंपल अपने पास कितने 9 ग्रुप्स थे, 0 से 8 है ना, बट यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया गया 200 में। जैसे तुम फर्स्ट ग्रुप को अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो ये वाला, तो यहाँ पे तुम लोग को इसके दो हिस्से दिख रहे होंगे, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट, दिख रहा है क्या? ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी ए पार्ट बी पार्ट, ए पार्ट बी पार्ट, ए पार्ट, ऐसे करते हैं। बेसिकली हर ग्रुप जो है वो 200 ए बी में सब डिवाइडेड है, ठीक है, वो ए बी में सब डिवाइडेड है, एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट आठवां ग्रुप, ठीक है, एक्सेप्ट आठवां ग्रुप। तुम लोग आठवां देखोगे तो यहाँ पे जरूर ए बी नहीं है, वो क्यों नहीं है वो मैं अभी तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। और इस पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप मिसिंग है, बेसिकली कौन सा वाला मिसिंग है बता सकते हो? मैं एडिशनली लगा देता हूँ, हाँ बोलो बोलो, इनर्ट गैस जीरोथ ग्रुप है ना, तो ये मैं यहाँ पे एडिशनली ऐसा लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ये आएगा यहाँ पे जीरो लिखा होगा ना, ये जीरोथ ग्रुप यहाँ से मिसिंग था, ओके, तो ये जीरोथ ग्रुप यहाँ से मिसिंग है, ठीक है। वो थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो गई लाइन, ठीक है, चलता है इतना था। तो होता क्या है कि बेसिकली हर ग्रुप जो है वो डिवाइडेड है दो सब कैटेगरीज में यहाँ पे, ठीक है, वो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो इनके बारे में अभी अपन स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। लेकिन इसको एक्सटेंडेड फॉर्म क्यों कहा गया ये समझ लो। अब तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ये फर्स्ट ए है, ठीक है, फिर ये सेकेंड ए है ना, फिर यहाँ थर्ड भी है, फिर फोर्थ भी है, फिर फिफ्थ भी है। तो ये बेसिकली किसका, ये जो अपने ग्रुप अंदर थे इनको खोल दिया गया है, समझ पा रहे हो तुम लोग, है ना, इनको क्या कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट ए बी वे भी अलग कर दिए गए हैं, तो ये वाला जो इनको अलग कर दिए गए और फिर भी नए एलिमेंट्स आए तो अपन को ये एक्सटेंडेड फॉर्म मिल जाता है। तो तुम लोग को ये समझ में आया कि जो मॉसले का या फिर ये जो मेंडलीव का मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल था जो कि एटॉमिक मास पे बेस्ड था, वो अपने आज के पीरियोडिक टेबल से जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अभी के हिसाब का, उससे कैसे या फिर एक्सटेंडेड फॉर्म उससे कैसे अलग है, तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया ये वाली टेबल और ये वाली टेबल में, है ना, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है ना। चलो ठीक है, अभी अपन इसमें थोड़ी चीज़ें और लिखते हैं तो तुम लोग को और क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा लिखने से शुरुआत करते हैं, है ना, ओके। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, यहाँ पे लिखना मॉसले सजेस्टेड, मॉसले की स्पेलिंग देख लो, एम ओ एस ई एल ई वाई, ठीक है, मॉसले सजेस्टेड दैट बेसिक्स दैट बेसिस बी ए एस आई एस, है ना, बेसिक्स नहीं बोल रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स should be यहाँ सीधा लिख लो, should be on atomic numbers of the element है ना, element rather than the atomic mass of the element, rather than the atomic mass of the element, okay। तो ये बेसिकली मोसले ने पहली बार सजेस्ट किया था कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो इसी के बेस पे, इसी की बात पे एक नया पीरियोडिक लॉ अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो नीचे हेडिंग डालो, सब हेडिंग डालना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, ये हेडिंग डाल लो, ओके, डाली सबने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, शेंकी माइक म्यूट कर, ओके, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, तो सभी लोग माइक म्यूट कर लो, ओके। तो इसमें लिखना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic numbers, है ना, are the periodic function of their atomic numbers, ठीक है। और एटॉमिक, किसी को, मेरे को पुराना वाला, मेरे को कोई पीरियोडिक लॉ बता सकता है क्या था,
जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो क्या था? देखो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। हाँ बोलो बोलो। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। एटॉमिक मासेस, ठीक है, वहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया था वो क्या था? एटॉमिक मास था। और अभी जो अपन वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो सबसे बड़ा चेंज यही आया था, है ना, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये अपन को समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके इससे क्या फ़ायदा हुआ था? इससे दो सबसे बड़ी दिक्कतें सॉल्व हो गई थी। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से सबसे बड़ी दिक्कतें सॉल्व हो गई थी दो। कौन कौन सी वो दिक्कतें थी? तो अपन को याद है, अभी पहले समझाता हूँ फिर अपन नोट करते हैं इसको। तुम लोग को याद होगा जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में दिक्कत थी, एक तो क्या थी? आइसोटोप की दिक्कत थी, मैंने तुम्हें बताया था, है ना। आइसोटोप की क्या दिक्कत थी कि बेसिकली, देखो पहले मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ तुम लोग को। पहली दिक्कत तो थी एनोमलस पेयर्स की। देखो इसका मतलब क्या है बताता हूँ, एनो MALUS पेयर्स, ठीक है। और दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी थी आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ पोजीशन ऑफ आइसोटोप की, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, है ना, ऑफ आइसोटोप्स। तो देखो अपन को याद है कि मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल दिया था कि यार जैसे सी कार्बन की बात कर लेता हूँ मैं, तो कार्बन के बेसिकली कितने आइसोटोप होते हैं? जैसे कि C6 12 है, ठीक है, C6 13 है, C6 14 है। तो बेसिकली ये क्या आइसोटोप है। तो इन लोग को क्या सबको अलग पोजीशन देनी पड़ेगी? क्यों देनी पड़ेगी इन सबको अलग पोजीशन? क्यों देनी पड़ेगी, कोई बता सकता है मेरे को? मेंडलीव को अलग पोजीशन क्यों देनी पड़ी थी इन सबको? क्योंकि उसकी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, है ना। और यहाँ मास देखोगे तो मास तो चेंज हो रहे हैं ना बेसिकली, इसलिए ये दिक्कत आ गई थी। ठीक है, और एनोमलस पेयर क्या थे बेसिकली? तुम लोग को याद होगा वो कॉपर और निकल वाली बात, कि बेसिकली एक का मास कम है फिर भी उसको आगे प्लेस कर दिया गया था। ठीक है, फिर भी उसको आगे प्लेस कर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें अपन लिखते हैं, तुम लोग ऐसे मत लिखना, तुम लोग ऐसे उसमें डालो, पहला नंबर डाल के लिखो एनामल। और इसके पहले एक चीज़ लिख लो, पहले इसके पहले लिखना टू मेन डिफेक्ट्स, ये इसके इतना लिख लिया तुमने, ऐसा नीचे करके लिखना टू मेन डिफेक्ट्स, टू मेन डिफेक्ट्स ऑफ ओरिजिनल टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, टू मेन डिफेक्ट्स ऑफ ओरिजिनल टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस डिसअपियर्ड, बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस डिसअपियर्ड। ठीक है, नंबर वन एनोमालस पेयर्स। अगर ये लाइन आपने लिखवाई नहीं है ना, मतलब लिखो, स्क्रीन पे, हाँ स्क्रीन पे लिखी पर मैंने डिक्टेट करी है ना, लिखना है इसको, है ना। ठीक है, एनोमालस, एनोमालस पेयर स्पेलिंग देख लो, शैंकी माइक म्यूट कर। एनोमालस MALUS पेयर्स, है ना, ओके। इतना लिख लिया क्या सबने? स्निग्धा, प्रांशी, ठीक है, चलो ठीक है। एनोमालस पेयर्स इसमें लिखो द एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक मासेस द एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक मासेस हैव बीन असाइंड, हैव बीन असाइंड पोजिशंस, पोजिशंस बिफोर द एलिमेंट, बिफोर द एलिमेंट, बिफोर द एलिमेंट हैविंग, हैविंग लोअर एटॉमिक मासेस, हैविंग लोअर एटॉमिक मासेस एट फोर प्लेसेस, मासेस एट फोर प्लेसेस। ठीक है, तो बेसिकली चार बार ऐसा हुआ था कि जिनको पोजीशन नहीं देना चाहिए थी पर उनको भी दे दी गई थी। ठीक है, वो चार केस कौन से थे मैं तुम लोग को बताता हूँ, देखो। ठीक है, वो चार केस कौन से थे उनको अपन जानते हैं। यहाँ पे लिखना, यहाँ पे मैं एक ऐसी टेबल बना रहा हूँ, तुम लोग भी एक ऐसी टेबल ड्रॉ कर लेना। ठीक है, देखो पहला वाला जो केस था ए, वो किसका था? वो था आर्गन का, आर्गन एंड पोटेशियम। ठीक है, देखो इसके साथ क्या हुआ था, यहाँ पे मैं एटॉमिक मास लिख देता हूँ, एटॉमिक मास, और नीचे लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, ओके। तो आर्गन का मेरे को तुम लोग बता सकते हो क्या?
कि आर्गन का कितना होता है एटॉमिक मास, याद करो कितना होता है, 40 होता है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर होता है कितना, 18 होता है इसका, ठीक है। वहीं पे पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है, पर इसका मास आर्गन से कम होता है, 39 होता है, ठीक है। तो एक तो ये पोजीशन में लफड़ा हो गया था, ठीक है। दूसरी वाली पोजीशन तुम लोग भी कॉपी करते जाओ साथ साथ में, ठीक है। बी, कॉपर और निकल, ठीक है, कॉपर और निकल, ठीक है। देखो पिकल नहीं देखो तुम लोग को मैं दिखा भी देता हूँ एक बार, यहाँ पे अपनी ये वाली टेबल देखने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें देखो कॉपर और निकल तो ये तुम्हें क्लियरली दिख रहे हैं, मैं बता भी चुका हूँ, ये ग्रीन पेन से दिख रहे हैं। तो देखो इसका मास 58.9 है, 58.7 है, कम है, इवन दो ये आगे आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी गलती थी। और क्या थे अगले पेयर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे टीई और आई, ठीक है, टेरिलियम और आई देखा, ठीक है, टीई और आई, देखो ये वाला पेयर है, मैं इसका गोले को हटा के दिखाता हूँ तुम लोग को, ये देखो दिखा किसी को टीई और आई, ये देखो ये टीई और ये आई, अरे दिख गया क्या, ठीक है, 128 है और 127 है, ठीक है। तो इवन दो इसका मास कम है फिर भी ये आगे आ गया, ठीक है। तो ये एक दो तीन ऐसी कितनी जगह, चार जगह ये दिक्कत थी, दो तो ये है और दो दिक्कत और थी, माइक म्यूट करो, ये किसके और क्या था कि आर्गन और पोटेशियम में दिक्कत थी और एक और में दिक्कत और थी, मैं तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है। ठीक है यहाँ पे लिखना, ये एक आर्गन और पोटेशियम लिख लिया है तुम लोगों ने, कॉपर और निकल लिख लो, इसका मास होता है कितना 59, इसका मास होता है कितना 59 और इसका 58.6, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर है 27 और इसका है 28, ठीक है। अगली गलती बताता हूँ मैं तुम लोग को, हाँ ठीक है, सी सी पार्ट में लिखो अगली गलती, टी ई और आई, टी ई एंड आई, और उसके बाद अगली भी बता देता हूँ डी पार्ट में, डेट इज टी एच एन पी ए, टी एच एन पी ए, ठीक है। इस हाँ बोल सर, अपन कॉपर को तो सीओ से डिनोट करते ना, तो फिर ये पीरियोडिक टेबल में इसको सीओ क्यों लिखा है? वो कॉपर नहीं है, वो कोबाल्ट है ना, कॉपर नहीं है वो, कोबाल्ट है वो, है ना, हाँ हाँ हाँ, सी ओ इज कोबाल्ट है ना, ओके। टी ई 127.5 और 127 और इसका एटॉमिक नंबर 52 और इसका 53। तुम लोग को ये याद नहीं रखने, एक तुम लोग एक दो भी याद रखोगे, जैसे पहले दो भी याद रख लोगे तो सफिशियंट है ना, बट वो नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूँ मैं ना, पता होना चाहिए 232 और 231। टी का मतलब, अब शंकी ये तो तू पता कर यार, अब तू 11th क्लास में आ गया, ठीक है, सर टी का नहीं पता, सर टी का कभी पढ़ा ही नहीं अपन ने, वो तू पता करना, ठीक है। टेरिलियम क्या होता है, टी क्या होता है, आई माइक म्यूट कर तेरा, आई पता है, आयोडीन पता है, ठीक है। तो ये बता करके आना तुम लोग के क्या होते हैं, ठीक है, ये नहीं बताऊंगा मैं, ये होमवर्क तुम लोग का, ओके। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना सबको इतना टेबल बना लो सब लोग, किसी को पता है डी क्या होता है, बताओ कोई बता दो शंकी को क्या होता है डी, नहीं पता किसी को, पता होता तो अब तक आंसर आ जाता, टेलुरियम, ले देख ले शंकी पता है, ठीक है, ऐसा नहीं तेरे समझ समझ सबको, ठीक है, टेलुरियम होता है, सही है, ठीक है। आई फॉर आयोडीन होता है और टी एच, टी एच मुझे कोई बता सकता है, टी एच कौन सा है, थोरियम, वेरी गुड, ठीक है, और पीए कौन सा है, टी एच इज थोरियम, और पीए भी बताइए तो, चलो पीए शायद नहीं बताओ, पैलेडियम ऐसा कुछ ही है, हाँ पैलेडियम, सर पैलेडियम तो नहीं है कहीं, नहीं वो पीडी होता है, पैलेडियम पीडी होता है, और ये बेसिकली क्या है, प्रोटेक्टिनियम उसको बोलते हैं, पीए, ठीक है, प्रोटेक्टिनियम, ठीक है, ओके। अभी वैसे तुम लोग के काम करनी, बट फिर भी नाम बता दिए मैंने, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन एनोमोलस पेयर की दिक्कत अपन को समझ में आ चुकी है, ठीक है, अगली इसमें डालना नंबर टू, नंबर टू डालो, क्या था नंबर टू, कोई बता सकता है मुझे, अभी तो बताया मैंने ऊपर, आइसोटोप की दिक्कत, शैंकी अपना माइक अब अनम्यूट मत करना, माइक म्यूट रख, रिकॉइल हो रही है मेरी वॉइस तेरी वजह से, ओके। नंबर टू डालो इसमें, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ, समझ में तो आ ही गया होगा, तो इसमें लिख लेते हैं, द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, द आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट
will be given different positions, will be given different positions if atomic mass, if atomic mass is taken as a basis. ठीक है, ये अपन समझ चुके हैं. एग्जाम्पल में क्या लिख है ना, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है. इफ टेकन एज अ बेसिस, आगे लिखना कॉमा, दिस शैल डिस्टर्ब द सिमेट्री, दिस शैल डिस्टर्ब द सिमेट्री ऑफ द टेबल. ठीक है, दिस शैल डिस्टर्ब द सिमेट्री ऑफ द टेबल. ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा तुम लोग को कैसे क्या है, ये ऐसा क्यों किया गया है ना. ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं. ये दो दिक्कत ही मिली जिनको अपन को सॉल्व हो गई थी, किससे, एटॉमिक नंबर को लेने से अकाउंट में. ठीक है, ओके, अगली हेडिंग अब अपन डालते हैं. देखो मैं तुम लोग को थोड़ा सा और यहाँ पे बता देता हूँ कि अब अपना को आगे क्या करना है. आगे अपन को उसका डिस्क्रिप्शन देखना है, किसका, पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन. तो वैसे तो मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या अपन डिस्क्राइब करने वाले हैं. ठीक है, फिर उसको अपन लिखेंगे. ठीक है, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स में डिवाइडेड थी, किसकी तरह, पुरानी वाली मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की तरह ही. ठीक है, तो यहाँ पे भी ग्रुप्स थे और यहाँ पे भी पीरियड्स हुआ करते थे. ठीक है, कितने ग्रुप्स थे, कितने पीरियड थे, बेसिकली नाइन, बेसिकली क्या थे, नाइन वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप बोला गया, नाइन. तो तुम लोग बोलोगे कि सर नाइन कहाँ है, तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, आठ तो तुम लोग को दिख ही रहे हैं, और नौवा कौन सा है, नौवा बेसिकली ये जीरोथ ग्रुप है ना, जो इस वाली टेबल में मेंशन नहीं है, पर ये जीरोथ ग्रुप कौन सा है, बेसिकली नौवा इसको माना गया, नाइन्थ. ठीक है, ओके, तो टोटल कितने ग्रुप्स थे, नौ ग्रुप्स थे, और कितने पीरियड थे, बेसिकली सात पीरियड थे इसमें. ठीक है, टोटल इसमें सात पीरियड थे. अब इसमें छह यहाँ पे शो हुए हैं तुम लोग को, छह यहाँ पे शो करा गया है, पर टोटल पीरियड जो थे अपने पास वो कितने थे, सात थे. क्यों सात थे सर, कैसे थे, मैं बता देता हूँ. ये जो सातवां पीरियड मिसिंग है मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेवन्थ पीरियड ऐसा था. सेवन्थ पीरियड में अपने पास जो एलिमेंट्स थे मैं वो भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ. फ्रेंसियम था यहाँ एफ आर, और फिर यहाँ पे था यू यू यू. तब क्या हुआ था ना, ये डिस्कवर ज़्यादा हुए नहीं थे, है ना, तो ये यू 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 ऐसा था, और यहाँ पे फिर आगे था अपने पास रेडियम. ठीक है, फिर यहाँ पे एलिमेंट्स, आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना. ऐसा एक्टिनियम था यहाँ पे. ठीक है, और ऐसे अपने पास के यू अलग अलग ऐसे एलिमेंट थे, तो कि जो कि क्या फॉर्म कर रहे थे, बेसिकली जो कि फॉर्म कर रहे थे अपने आगे की टेबल को. तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, ओके, सबको क्लियर हो गया क्या, कितने ग्रुप्स थे और कितने पीरियड्स थे. ज़्यादातर कन्फ्यूजन यही होता है बच्चों को पीरियड्स और ग्रुप का. तो बेसिकली कितने पीरियड थे, सात पीरियड थे. पीरियड थे कितने, सात. ग्रुप थे कितने, नौ. ठीक है, याद रखना भैया, ग्रुप किसको बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल को कि वर्टिकल को, वर्टिकल को, है ना. तो ये जो ग्रुप, नहीं नहीं ग्रुप्स हैं वर्टिकल, तो ये ग्रुप से नीचे, नहीं नहीं वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं. ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है, उससे कंफ्यूज मत हो. ग्रुप बेसिकली वर्टिकल को बोला जाता है, और पीरियड्स बोला जाता है हॉरिजॉन्टल को. ये पहला पीरियड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा. ठीक है, ये सब क्या है, पीरियड्स हैं. ठीक है, ओके, चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं. तो एक ये चीज़ थी, और दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ एक और थी कि जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की जो पोजिशन थी ना, वो फिक्स नहीं थी. वो अभी भी कहाँ पड़े हुए थे, वो अभी भी टेबल के बाहर पड़े हुए थे. ठीक है, तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की सीरीज के कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है. ठीक है, उनको कहाँ पटक दिया गया था, उनको अलग से पटक दिया गया था. ऐसे देखो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, जो अपन ने कल देखा था ना, यहाँ पे देखो, इसमें भी यहाँ पे लिखा ही है. तो लेंथेनम और एक्टिनाइट, जैसे ये देखो, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तुम लोग को दिख रहे हैं ना, ये नीचे अलग से टेबल में दो पड़े हुए हैं. ठीक है, एफ ब्लॉक जिसको अपन बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें जो मॉडिफाइड टेबल थी उसमें भी ये लोग ऐसे अलग से पड़े हुए थे. ठीक है, चलो ठीक है, अपन वापस नीचे आते हैं. इसमें अपन लिखते हैं थोड़ा कुछ, फिर अपन को आगे क्लियर होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना, क्या हेडिंग डाली तुम लोगों ने, अभी कोई हेडिंग नहीं डाली ना, बताई नहीं. ओके, इसमें हेडिंग डालो, डिस्क्रिप्शन ऑफ, हेडिंग डालना डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना. मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ. डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, आई डोंट नो इसमें कुछ आज एरर है. ठीक है, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ. हेडिंग डाली तुम सब ने डिस्क्रिप्शन. ठीक है,
डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, ओके. तो इसमें सबसे पहले लिखना, फर्स्ट पॉइंट में करके लिखो, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मैं डिक्टेट कर रहा हूं, तुम सबको लिखना है ना. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 9 वर्टिकल कॉलम्स. कंसिस्ट ऑफ कितने? 9 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स, नोन एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज रोज नोन एज, तुम लोग बताओ, पीरियड्स है ना. हाँ, नोन एज पीरियड्स. ठीक है, नोन एज पीरियड्स. आगे इसमें फर्दर कंटिन्यू करना, फुल स्टॉप. द नाइन ग्रुप्स आर, द नाइन ग्रुप्स आर मार्क्ड फ्रॉम, द नाइन ग्रुप्स आर मार्क्ड फ्रॉम, MRKED है ना, मार्क्ड फ्रॉम 0 to 8. अब 0 to 8 कैसे लिखोगे? ऐसे लिखना रोमन न्यूमरल्स में, 0 तो 0 ही और 8 ऐसा रोमन नंबर्स में लिखना है ना. मार्क फ्रॉम 0 to 8, मार्क फ्रॉम 0 to 8. अब एक मिनट है ना, फुल स्टॉप, अभी खत्म नहीं हुआ. एक चीज पॉइंट बता देता हूँ, हो गया सबका? आर मार्क फ्रॉम 0 to 8. ओके, अब तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने तुम लोग को अभी बताया था ना, याद होगा तुम लोग को कि बेसिकली क्या था, कि हर हर बेसिकली जो ग्रुप है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड था. कौन कौन से? ये देखो, ये बेसिकली एक ऐसा, जैसे फर्स्ट टू सेवन्थ स्पेसिफिकली है ना, जैसा फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है. ठीक है, ये सब किस में डिवाइडेड थे? ये डिवाइडेड थे पार्ट्स में, ए और बी में. ठीक है, ए बी, सेकेंड भी किस में था? ए बी में. थर्ड भी किस में था? ए बी में. और ऐसा सिलसिला कहाँ तक चला था, है ना, ऐसा सिलसिला कहाँ तक चला था? ये चला था अपना, मैं तुम लोग को इस पर दिखा देता हूँ. ये देखो, ये टेबल दिख रही है तुम लोग को? ठीक है, तो ये कहाँ तक चला था ऐसा ऐसा? बेसिकली सेवन्थ ग्रुप तक. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे आगे लिखना है इसमें, तुम लोग इसमें कंटिन्यू करके लिखो, द ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 7, द ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 7 आर डिवाइडेड, आर डिवाइडेड ईच इंटू, आर डिवाइडेड ईच इंटू सब ग्रुप्स, आर डिवाइडेड ईच इंटू सब ग्रुप्स ए एंड बी. द ग्रुप्स 1 to 7 आर डिवाइडेड ईच इंटू सब ग्रुप्स ए एंड बी, फुल स्टॉप. दीज ग्रुप्स, these groups are termed as, these groups are termed as normal groups. ठीक है, these groups are termed as normal groups. इतना लिखो, फिर आगे बताता हूँ. हाँ, ये जो A to B में सबबॉक्स में बनाना जो ये बना हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे एक्चुअली क्या था ना, ये जो अपना पहले वाला जो टेबल था ना, उसमें भी ये सेम टाइप है, इन लोगों ने ऐसा डिवीजन किया हुआ था. ठीक है, और फिर यहाँ मॉडर्न में भी इन लोगों ने क्या किया कि कई सारी प्रॉपर्टीज ये थी ना, वो सिमिलर थी. मैं अभी देखो, अभी अगला पॉइंट अपना वही आ रहा है, तो उसमें देखो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों डिवाइड किया गया है ना. नेक्स्ट पॉइंट अपन आगे वही देखने वाले हैं. तो इसमें आगे लिखो, यहाँ तक लिख लिया, इसमें आगे लिखना. ठीक है, इतना अपन को समझ में आ गया. ठीक है, और इसमें आप डाल के देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट करके इसमें लिखना, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू द हैवीएस्ट मेटल. मेरी आवाज आ रही है? ओके, टू द हैवीएस्ट मेटल यूरेनियम,
टू द हैवीएस्ट मेटल यूरेनियम, ठीक है। अब ये मत पूछना सर हैवीएस्ट यूरेनियम कैसे हो गया, बेसिकली जिस टाइम पे मॉडिफाई किया गया था, अपन अभी उस टाइम की बात कर रहे हैं ना, अभी अपन एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन मेंडलीव का जो इम्प्रूव्ड फॉर्म था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो पढ़ रहे हैं ना, तब इतने बेसिकली इतने ही एलिमेंट्स नोन थे, कितने, मेटल यूरेनियम, देयर वर 92 एलिमेंट्स, ठीक है, तब 92 ही नोन थे, है ना, अभी 118 हैं, तब 92 एलिमेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू द हैवीएस्ट मेटल यूरेनियम, देयर वर 92 एलिमेंट्स विच वर अरेंज्ड इन डिफरेंट पीरियड्स एज फॉलोज। ठीक है, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, विच वर एनी, मेरे को आवाज पूरी नहीं आ रही, वो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होगा नेटवर्क में, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम हैवीएस्ट मेटल यूरेनियम, है ना, बेसिकली हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक 92 एलिमेंट्स थे अपने पास, 92 एलिमेंट्स थे, ठीक है, जिनको अपन ने पीरियड्स में ऐसे अरेंज किया गया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, तुम लोग को एक ऐसी टेबल बनानी है, देखो मैं बता रहा हूँ कैसा, ऐसा लिखना फर्स्ट पीरियड, फिर सेकेंड पीरियड, ठीक है, फिर थर्ड पीरियड, फिर फोर्थ पीरियड, फिर फिफ्थ पीरियड, फिर सिक्स एंड सेवेंथ पीरियड, ठीक है, सात पीरियड थे ना ऐसे, सेवेंथ पीरियड, ठीक है, ये सब में पीरियड पीरियड पूरा पूरा लिखना तुम लोग, है ना, मैंने ऐसा पीपी कर दिया है, ठीक है। अब फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट थे, देखो मैं तुम लोग को बता देता हूँ, फिर तुम लोग देखना, ओके, बता सकते हो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? वन दिख रहे हैं, ठीक है, ओके, रुको मेरे को ये जरा पीरियोडिक टेबल रिप्लेस कर लेने दो, तुम लोग को थोड़ी सी और अच्छी पीरियोडिक टेबल में बताता हूँ, कॉपी इमेज, ठीक है, इसको मैं हटा के ना एक दूसरी यहाँ पे इमेज डाल रहा हूँ तुम लोग के लिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो इस टेबल को अभी ध्यान से देखना और कंपेयर करने की कोशिश करना, ठीक है, देखो अभी इसमें क्या पूरा मेंशन है सारा डेटा, देखो अभी फर्स्ट ग्रुप देखो अभी कितना, थैंक यू माइक म्यूट कर, ओके, अभी तुम लोग को कितने एलिमेंट दिख रहे हैं फर्स्ट ग्रुप में इंक्लूडिंग जीरो, उसमें क्या जीरो नहीं था इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही थी, कितने दिख रहे हैं, दो, ये देखो पहला और ये दूसरा, ठीक है, फिर ऐसे ही तुम लोग दूसरा देखोगे तो उसमें तुम लोग को कितने दिख रहे हैं, आठ एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और बेसिकली इसलिए वो एक कम है, ठीक है, तो एक ही टोटल दिख रहा है अपन को आठ, सिमिलरली नीचे भी कितने हैं, आठ है, ठीक है, फिर नीचे अब लेकिन तुम फोर्थ में देखोगे तो फोर्थ में देखना क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है, 19 नहीं शैंकी, 18, ठीक है, तो बेसिकली 18 दिख रहे हैं। ओके, हिमांशु आवाज आ रही है मेरे को, मेरी देखो, हिमांशु कुछ बोल नहीं रहा है, ओके ओके हिमांशु, ठीक है हिमांशु, समझ में ना आया तो मुझे प्लीज बताना, है ना, बेसिकली भी बहुत इजी बताना, तो तुम लोग को समझ में आया फोर्थ ग्रुप में कितने थे, 18 एलिमेंट थे, ठीक है। अब बेसिकली जो एट्थ वाला जो ये ग्रुप था ना, सातवें तक तो कैसा डिवीजन था, सातवें पहले से लेकर सातवें तक तो ए बी में अपन ने डिवाइड कर रखा था, पर आठवें में ऐसा नहीं था, ठीक है, क्यों नहीं था बेसिकली, उसकी भी हम अभी बात करने वाले हैं कि एट्थ में जैसे ये बेसिकली तीन तीन का ट्रायड रखा गया था, ठीक है, इसकी भी हम अभी बात करेंगे, तो पहले तो हम अभी एलिमेंट्स लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो देखो ऐसा लिख लो, फर्स्ट पीरियड में मैं यहां लिख रहा हूं, तुम लोग कॉपी करते जाओ, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में थे कितने एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स, ठीक है, सिमिलरली थर्ड सेकंड पीरियड में थे आठ एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में थे आठ अगेन, फोर्थ में थे कितने अभी कितने 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ में थे अगेन 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ में थे 32 एलिमेंट्स और सेवेंथ में थे कितने, और उस टाइम पे सेवेंथ में थे कितने, सिक्स एलिमेंट्स, तो यहाँ थोड़ा मेंशन कर लेना सिक्स एलिमेंट्स, है ना, अभी तो ज़्यादा हैं पर ये पहले थे, अप टू एटॉमिक नंबर 92, सबको क्लियर है ना, छः क्यों थे, तो देखो कितने एलिमेंट्स होते हैं, सिक्स्थ में बेसिकली होते हैं, सिक्स्थ में होते हैं 32 एलिमेंट्स, और सेवेंथ में होते हैं अपने पास कितने, छः एलिमेंट्स, ठीक है, बट तुम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना, एक मिनट देख लो सब लोग, तो ये जो सेवेंथ पीरियड है, सेवेंथ पीरियड कौन सा है बेसिकली, और ऊपर ले चलता हूँ, देखो ये वाला सेवेंथ है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवा, ये फ्रेंशियम वाला, फ्रेंशियम रेडियम, तो अभी क्या सात है इसमें, नहीं अभी सात से कहीं ज़्यादा है,
देख पा रहे हो ये सब लोग, ये पिंक कलर से मैं गोले कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी 7 से बहुत ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि बेसिकली अभी जितने एलिमेंट्स नोन है वो 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। बट पहले तो 92 ही नोन थे ना, तो पहले काफ़ी कम एलिमेंट नोन थे, मतलब कितने अप्रोक्स कम हो गए, 18 और 8, बेसिकली कितना 26 एलिमेंट कम नोन थे। तो ये तब 92 ही थे, इसलिए 7वें पीरियड में अपने पास 6 ही एलिमेंट बच रहे थे। सबको क्लियर है? क्लियर है शंगी? 6 एलिमेंट्स अप टू 92 क्यों रखा? ओके, इसको कॉपी करो और इनके आगे एक एक चीज और लिख लेना। जैसे सेकंड ईयर था तो ये सबसे क्या सबसे छोटा पीरियड फर्स्ट ही था, तो यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। और बेसिकली सेकंड और थर्ड को भी क्या बोला जाता है? शॉर्ट पीरियड, ठीक है। सेकंड और थर्ड को भी शॉर्ट पीरियड में बोला गया है। फिर फोर्थ फिफ्थ को डाला गया है लॉन्ग पीरियड में। फोर्थ फिफ्थ को डाला गया है कि इसमें लॉन्ग पीरियड में, लॉन्ग पीरियड। नामकरण कब हुआ था? कौन सा नामकरण चंकी? ये लॉन्ग पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, इसका नामकरण नहीं, ये नामकरण नहीं है, ये तो सिंपल एक लॉजिक है कि ये बड़ा है तो बड़े को बड़ा बोल दिया, उसमें नामकरण क्या बात। नामकरण तो अभी आगे होगा, है ना, कैल्कोजेंस, निकोजेंस, हैलोजेंस, ये अभी आगे करेंगे अपन, अभी तो बस ऐसा लॉजिकली बोल दिया, ठीक है। कोई लंबा दिखता है तो अपन लंबू बोल देते ना, बस ऐसे ही उसी बेस पे। और सिक्स पीरियड को बोला गया था क्या? वेरी लॉन्ग पीरियड, है ना, वेरी लॉन्ग। क्यों वेरी लॉन्ग? क्योंकि दिख रहा है ना वो 32 बेसिकली उसमें कितने 32 एलिमेंट्स आ गए, तो है ही वेरी लॉन्ग, ठीक है, वेरी लॉन्ग पीरियड। ओके, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या था, इसमें एक सेवेंथ में लिख लेना वेरी लॉन्ग, और कॉमा करके क्या कर देना, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि उनको पता था एलिमेंट्स आएंगे, पर तब नहीं, तब आए नहीं थे मतलब, है ना, पर पता था कि आएंगे, तो इसलिए इनकम्प्लीट भी बोल दिया, पर इनकम वेरी लॉन्ग पर इनकम्प्लीट पीरियड। क्लियर है ना सबको, है ना? ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात अपन करने वाले हैं, यार तुम लोग को अभी बड़े उससे देख रहे थे कि सर ये चलो आपकी बात हमने मान ली कि पहले से 7 तक आपने ए बी में डिवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन आपने 8th में एकदम से क्या कर दिया, 8th में 3-3 एलिमेंट्स क्यों है, ठीक है। तो अभी आप 8th पीरियड, बेसिकली अपन 8th ग्रुप की बात करने वाले हैं ना, 8th ग्रुप बोलना सही होगा, ठीक है। तो इसमें लिखना, यहाँ पे लिखना इन द थर्ड पॉइंट है ये, इसको, हाँ इसको थर्ड पॉइंट बना लो। इन द 8th ग्रुप, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है ना, इन द 8th ग्रुप, इन वन प्लेस कॉमा देयर आर थ्री सिमिलर एलिमेंट्स placed together which are known as transition triads। स्पेलिंग देख लेना, ट्रांजिशन, TRANSITION, ट्रांजेक्शन मत लिख देना, ठीक है, ट्रांजिशन है, नहीं तो ट्रांजेक्शन एलिमेंट्स कर दो, ठीक है। ट्रांजिशन ट्रायड्स, TRIADS, ट्रांजिशन ट्रायड्स, ठीक है, विच आर नोन एज ट्रांजिशन ट्रायड्स, ठीक है। अब डैश लगा के लिखना कौन कौन से होते हैं वो। सबसे पहला था फेकोनी, तो FE, COO, and NI, ठीक है, ये स्मॉल होता है, FE में ई स्मॉल लिखना है ना, वो कैपिटलाइज हो गया मुझसे गलती से, FE स्मॉल होता है, और CO में O स्मॉल होता है, ठीक है। हाँ, FE, CO, and NI, ये पहला था अपने पास। दूसरा क्या था, दूसरा लिखो कॉमा करके या डैश लगा लेना, कन्फ्यूजन ना उससे। अगला था अपने पास RU, RH, PD। शेंगी PD पैलेडियम होता है, ठीक है, PD इज पैलेडियम, ठीक है, PD। फिर अगला कोलन या सेमी कोलन लगा के अगला लिखो, OS, IR, PT, OS, IR, PT। PT क्या होता है? फिजिकल ट्रेनिंग, प्लैटिनम, है ना, ये तो लड़कियों को खूब याद है, PT प्लैटिनम आता है, हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, प्लैटिनम। एक और बचा हुआ है अपने पास, एक और बचा हुआ है, एक और कोलन लगा के लिख दो, कोलन या सेमी कोलन लगा लेना, ठीक है। सेमी कोलन और कोलन में अंतर समझते हो? एक दो बिंदियाँ होती हैं और एक वो आँख मारने वाला जो इमोजी बनाते हैं जिससे अपन, ठीक है,
वो अलग होता है, ठीक है। तो इसमें लिखना एच एस, ब्रैकेट में लिख लेना वी एन ओ, उसको ऐसा भी बोला जाता था, वी एन ओ कॉमा एम टी, एम टी ब्रैकेट में लिख लेना वी एन ई कॉमा, VNO क्या? नोटेशन है एक टाइप का, एंड वी एन यू। मैं भी आगे बताता हूँ ऐसा क्या, उनके नामकरण ऐसे क्यों किए गए थे, ठीक है। ओके ये मैं भी आगे बताता हूँ, एंड वी एन यू फुल स्टॉप, ठीक है। ओके बेसिकली क्या हुआ था शैंकी, इतना लिख लिया क्या सबने? आठवें ग्रुप की कहानी हो गई सबकी क्लियर? ओके अब देखो ये वी एन यू, वी एन यू क्या है, देखो क्या हुआ था यहाँ पे, यहाँ से समझने की कोशिश करना कि यहाँ देखो ओ एस, देखो फेको नहीं तुम्हें दिख गया, आर यू आर एच पी डी दिख गया, ओ एस आई आर पी टी दिख गया, बट जो लास्ट वाला तुम्हें दिखाया मैंने उसमें क्या हो? देखो वो यहाँ पे खाली जगह दिख रही है, वॉइड, खाली डब्बा पड़ा हुआ है देखो, तो खाली डब्बा था मतलब तब वो डिस्कवर नहीं हुए थे। तो बेसिकली ये जो यू यू एन वी एन ई वी एन ओ था ना, ये एक नॉमन क्लेचर का तरीका था जिससे पहले उनको ऐसे जाना जाना था, बट वो फिर उनका नाम दे दिया गया तो उनके नाम से अब उसको ऐसे जानते। आई थिंक तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। तीसरे वाले का नाम नहीं दिया। हाँ अब सवाल ये उठता है कि यार इसको ऐसे नाम क्यों दिया गया था, नाम क्या पूछा मैंने, क्वेश्चन नहीं समझ पाया, कोई कुछ पूछ रहा था बीच में, तीसरे वाले को नाम नहीं दिया। दिया ना वी एन यू, हाँ उसको अभी कुछ नाम नहीं दिया है, हाँ वो अभी वी एन यू ही है, ठीक है यहाँ दे दिया गया होगा, ये है ना ये पुराने में ऐसे ही मेंशन था, है ना। ओके तो ये बेसिकली अब ये वी एन ओ वी एन ई वी एन ई क्यों दिया गया, इनका एक नॉमन क्लेचर का मेथड होता है प्रॉपर, जो कि अभी अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना क्लियर हो गया कि आठवें ग्रुप में क्या थे ये ट्रांजिशन ट्रायड से। स्निग्धा तू पूछ रही थी, समझ में आ गया देखो, आठवें ग्रुप में क्या थे? ट्रांजिशन ट्रायड। ओके ओके चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे और बात करते हैं। इसमें पहले वाले टेबल में सर लिखा हुआ था, लिखा हुआ था, हाँ तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ट्रांजिशन ट्रायड होते हैं, चलो अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे जो छूट गए थे, जो छूट गए थे वो कौन थे? वो थे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। तो इस वाली टेबल में भी वो मेंशन नहीं है, पर मैं तुम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। अपन एक ऐसा बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट का, तो ये अलग से बेचारे ऐसे दो नीचे पड़े हुए थे, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। क्या होते हैं लेंथेनाइट, क्या होते हैं एक्टिनाइट, ये मैं तुम लोग को अभी बताता हूँ, ठीक है। तो इनमें बेसिकली क्या ऐसा डिवीजन करके रख दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर क्या थे? ऊपर लेंथेनाइट थे, पोजिशन तो तुम लोग को पता ही होगी आज भी वैसी है, ऊपर लेंथेनाइट है नीचे एक्टिनाइट है ना, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, में पूरा नहीं लिख रहा हूँ अभी इतना, ठीक है। और इनके अंदर फिर सारे एलिमेंट्स इनके ऐसे ऐसे आ गए थे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो चलो इनकी भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे लिखना, आगे कौन सा पॉइंट लिखा अभी अपन ने, ये थर्ड पॉइंट लिखा है ना। ओके फोर्थ पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट हो गया, ये डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं अपन पीरियोडिक टेबल का, तुम लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा, अपन सबकी बातें कर रहे हैं कैसा क्या है ना। ओके फोर्थ पॉइंट लिखना सब लोग, द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स रोमन नंबर्स में लिखना सब, द देख लो पहले, द फोर्थ कैसे लिखोगे, वन वी, ठीक है, कॉमा फिफ्थ, फिफ्थ मतलब वी, एंड सिक्स, सिक्स मतलब ए एम डी लिख दिया गलती से मैंने, ए एन डी, एंड सिक्स, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड पोजेसेस, पोजेसेस टू हॉरिजॉन्टल रोज, टू हॉरिजॉन्टल रोज, टू हॉरिजॉन्टल रोज, जो जो लिखो उसको इमेजिन करते जाना ईच, और अगर इमेजिन ना हो तो थोड़ा रुक जाना आगे हो जाएगा। ईच विच आर टर्म्ड, विच आर टर्म्ड इवन एंड ऑड, विच आर टर्म्ड इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड सीरीज फुल स्टॉप, विच आर टर्म्ड इवन एंड ऑड सीरीज। इसमें आगे लिखो, इन द सिक्स पीरियड, इन द सिक्स पीरियड, इन द सिक्स पीरियड कॉमा 15 एलिमेंट्स, कितने? 15, 15 एलिमेंट्स फ्रॉम, 15 एलिमेंट्स फ्रॉम लेंथेनम, इसको बोल्ड में लिखना है ना, फ्रॉम लेंथेनम, एल ए स्पेलिंग देख लो, एल ए एन टी एच ए एन यू एम, लेंथेनम ब्रैकेट में लिखो, एटॉमिक नंबर 57, एटॉमिक नंबर 57, टू ल्यूटेनियम, टू ल्यूटेनियम, एल यू स्पेलिंग देख लो, एल यू टी ई टी आई यू एम, ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम है ये, सॉरी ल्यूटेटियम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 71 है ना, एटॉमिक नंबर 71,
ये टी नंबर लिख दिया मैंने, एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर 71 आर गिवन, आर गिवन ओनली वन पोजीशन, आर गिवन ओनली वन पोजीशन इन थर्ड ग्रुप। अब तुम लोग बोल रहे हो कि सर ये क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ, सब समझ में आएगा। ठीक है, आर गिवन ओनली वन पोजीशन इन थर्ड ग्रुप, पहले अपन लिख लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे लिखना, एक लाइन छोड़ के इसके नीचे लिखो, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज, बोल्ड में लिखना इसको, ब्लैक पेन से लिखना, रेयर, रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल या फिर रेयर अर्थ, या फिर रेयर अर्थ लिख लो बस, रेयर अर्थ और लेंथेनाइट्स, एल ए एन टी एच ए एन आई डी ई एस और लेंथेनाइट्स, ब्रैकेट में लिख लेना, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 हाइफन या फिर 271। ठीक है, एंड आर सेपरेटली, एंड आर सेपरेटली अरेंज्ड, एंड आर सेपरेटली अरेंज्ड बिलो द टेबल, बिलो द टेबल इन हॉरिजॉन्टल, इन हॉरिजॉन्टल रो, फुल स्टॉप। लाइन पे तो हो ना तुम लोग, हेलो हेलो, हाँ हो, ओके ओके, वही सन्नाटा छा गया था, सब लोग लिखने में व्यस्त हो गए थे। ठीक है, तो देखो मैं तुम लोग को बता देता हूँ लेंथेनाइट की क्या कहानी है, अभी मैंने तुम लोग को वैसे भी बताई। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैं बताता हूँ तो और ज़्यादा तुम्हें क्लियर आएगी। देखो देखो, अच्छा क्या किसी को समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया होगा, देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, जूम करता हूँ, अबे कांगे गायब भी हो गया। हाँ तुम्हें यहाँ पे लेंथेनाइट दिख रहा है, सॉरी लेंथेनम दिख रहा है, ये देखो एल ए है ना, लॉस एंजलिस नहीं है, एल ए। ठीक है, ये जो एल ए है इसका एटॉमिक नंबर देखो कितना दिख रहा है, 57। और नीचे ये क्या है, इनको बोला गया लेंथेनाइट और नीचे वालों को बोला गया एक्टिनाइट, एक्टिनाइट का क्या है 89। ठीक है, अब तुम लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो कौन सी चीज से, देखो दिखा रहा हूँ इसको मिटाने दो, यहाँ पे देखो, ये देखो ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पे बस एक ही डब्बा है और एक ही डब्बे में क्या है पूरे लेंथेनाइट लिखा हुआ है, समझ रहे हो, मतलब 57 से 71 बस इसी में आ गया और इसको अलग से अपन ने यहाँ पे पटक दिया, आई थिंक क्लियर होगा। और उसके जस्ट नीचे देखो 89 से, ठीक है, उस एक ही डब्बे में एक्टिनाइट सारे के सारे आ गए, ठीक है, एक्टिनाइट सारे के सारे आ गए और उसको अपन ने इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल रो में पटक दिया। तो यही मैंने अभी तुम लोग को लिखवाया कि एक हॉरिजॉन्टल रो में अपन ने इन सबको क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। ठीक है, और देखो ये कौन सा वाला ग्रुप है, ये देखो थर्ड भी दिख रहा है, थ्री बी, अरे दिख रहा है ना, थर्ड भी, तो थर्ड में बेसिकली एक एक डब्बे में, एक एक डब्बे में पूरे के पूरे लेंथेनाइट और पूरे के पूरे एक्टिनाइट को पटक दिया गया और उनको एक स्पेशल जगह दे दी गई नीचे इनटू टू हॉरिजॉन्टल रोज। आई थिंक तुम लोग को अब क्लियर, माइक म्यूट करो, कौन है ये, आई थिंक तुम लोग को अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट कैसे ऐसे अलग अलग हैं, तो अपन ने जो लिखवाया मैं एक बार फिर से रीड आउट करके बताता हूँ तुम लोग को, देखो समझना ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इन एट्थ ग्रुप, इन एट्थ ग्रुप, ठीक है, अच्छा नहीं इसके नीचे वाला पॉइंट है, इन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड है ना, द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड पोजेसेस टू हॉरिजॉन्टल रोज ईच विच आर टर्म्ड इवन एंड ऑड सीरीज, यहाँ तक तो ठीक है। फिर इन द सिक्स्थ पीरियड 15 एलिमेंट्स फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेडियम, ठीक है, आर गिवन ओनली वन पोजीशन इन थर्ड ग्रुप, तो वो वन पोजीशन कौन सी है, आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे, ये वाली वो पोजीशन है। ठीक है, ये जो मैंने एकदम काली कर दी है सात चित्र चित्र के, ठीक है, तो ये वाली वो पोजीशन है, तो 15 एलिमेंट को बस एक ही जगह दी गई और एक्टिनाइट के भी साथ नीचे वही सलूक किया गया है, तो अपन उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना, और इनको क्या लास्ट लाइन क्या थी, दीज आर नोन एज रेयर अर्थ्स और लेंथेनाइट्स और दे आर सेपरेटली अरेंज बिलो द टेबल इन अ हॉरिजॉन्टल रो, आई थिंक तुम लोग को रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, देखो ये दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल रो में अलग ही नीचे पड़े हुए हैं बेचारे, अरे ठीक है क्या, ओके okay. इसमें अब अपन एक्टिनाइट्स की भी बात कर लेते हैं, उनकी बात करना भी बहुत जरूरी है, उनके साथ ऐसी दोगलाई क्यों। ठीक है, तो इसमें लिखो नीचे द लास्ट पीरियड,
द लास्ट पीरियड, मैं भी लिखता हूँ. अरे क्या हो गया, किसके बच्चे चिल्ला रहे हैं? द लास्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 28 एलिमेंट. कंसिस्ट ऑफ 28 एलिमेंट्स. ये चैप्टर बहुत इजी है बट यार लेंथी है साला. इसमें ऐसा कुछ है नहीं केमिस्ट्री में, बट थ्योरी बहुत है. मतलब मेरे को फिजिक्स और मैथ ज़्यादा इसलिए पसंद है, इतना लिखना नहीं पड़ता उनमें. पर ठीक है, क्या करें आप. ठीक है, द लास्ट पीरियड कंसिस्ट. और ये लिखना क्यों ज़रूरी है, तुम लोग को आज तो याद है मालूम है. तुम लोग 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद देखोगे ना तो आधी चीज़ें तुम्हें गुम हो जाएगी. मतलब कैसी, लॉजिक तो याद रहेगा बट कितने एलिमेंट्स थे, कितना डेटा था, ये वैल्यू भूल जाते हैं अपन, इसलिए अपन लिख रहे हैं. ठीक है, ओके. तो लिखो, द लास्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 28 एलिमेंट्स कॉमा out of which 14 elements from atomic number, elements from atomic number 90, atomic number 90 to 103 are separately arranged. हाँ, 103 मतलब 103, बिल्कुल सही बात बोली. अरेंज्ड लाइक लेंथेनाइट्स. लेंथेनाइट की स्पेलिंग देख लो. बिलो द टेबल इन अ हॉरिजॉन्टल रो. These elements, कॉमा लगा के लिखना, these elements are called बाजीगर नहीं एक्टिनाइट्स. ठीक है, एक्टिनाइट्स. ठीक है, फुल स्टॉप. एक्टिनाइट्स को ऐसा बोल्ड कर लेना एकदम काले पेन से, मैं ऐसा बोल्ड कर देता हूँ. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. बेचारे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट नीचे दो हॉरिजॉन्टल रोज में पड़े हुए हैं चुपचाप, है ना. और बेचारे मॉडर्न एक्सटेंडेड फॉर्म में भी नीचे ही पड़े हुए हैं, बताओ. उनको जगह ही नहीं दी गई कहीं. ठीक है, तो ये अपना हो गया फोर्थ पॉइंट. इतना सबको क्लियर है. अब आगे थोड़ी सी और अपन बात कर लेते हैं. ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, डिस्क्रिप्शन की. अपन ने मेन देखा कि कैसा क्या, की चीज़ टूटती है कैसा क्या है. अब आगे अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की. ठीक है, तो थोड़ी सी और मैं बात कर ही लेता हूँ. इसमें फिफ्थ पॉइंट और डाल दो आज, उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं. फिफ्थ पॉइंट इसमें लिखना. पहले लिखने से पहले एक काम करो, देख लो. तो मुझे एक बात बताओ, बेसिकली जो हर पीरियड है, पीरियड मतलब क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो जो सारे के सारे पीरियड हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं और एंड कहाँ पे होते हैं, मुझे बता सकते हो? स्टार्ट होते हैं, ये याद करो, मैंने इनको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनको क्या नाम दिया था कल, ये पीले कलर में जो कि कट गया, ये एल्कली मेटल्स, है ना. और ये लास्ट में जो आता है ये एट्थ ए जो क्लास है, ये जो ग्रुप है, ये किसकी क्लास है? नोबल गैसेस, या फिर इनर्ट एलिमेंट्स की, है ना, या फिर जीरोथ ग्रुप की. तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ भैया, स्टार्टिंग होती है हमेशा एल्कली मेटल से और एंडिंग होती है हमेशा किस पे, जीरोथ ग्रुप मेंबर पे. सही बात है. ठीक है, ओके. तो इसमें अपन एक चीज लिखते हैं, इसमें लिखना फिफ्थ पॉइंट में, एवरी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम अ मेंबर ऑफ अल्कली ग्रुप, है ना, अल्कली ग्रुप, एंड एंड्स विथ अ मेंबर ऑफ and ends with a member of zero group. मतलब बहुत इजी है यार, मतलब ये जीरो ग्रुप. ठीक है, फुल स्टॉप. द फर्स्ट पीरियड हाउएवर कॉमा स्टार्ट्स विथ, देखो फर्स्ट पीरियड में लफड़ा है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, अरे कि हाइड्रोजन की पोजीशन लफड़ेबाज है एकदम, है ना. मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो किसकी, उसकी प्रॉपर्टी किससे रिसेंबल करती हैं, एक तो अल्कली मेटल से भी करती हैं और हैलोजन से भी करती हैं, याद करो कल बताया था मैंने, है ना. और जो नई वाली टेबल है उसमें तो उसको क्या कर दिया गया, ऐसे बीच में पटक दिया गया कहीं पर. ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे करके. तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है. ठीक है, मतलब है भी और नहीं भी है, क्योंकि रिसेंबल करती भी और नहीं भी करती है. तो इसलिए अपन ने उसको अलग से मेंशन कर डाला. क्या, कि द फर्स्ट पीरियड हाउएवर स्टार्ट्स विद व्हाट, हाइड्रोजन.
ठीक है, ओके, फुल स्टॉप. फर्स्ट यूनिट स्टार्ट विथ हाइड्रोजन, है ना. ओके, तो ये तो अपन ने आज किसकी बात की, ये तो अपन ने आज बात की कि क्या, कि जो टेबल है उसमें बेसिकली अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो कैसे क्लासिफाइड हैं, कैसे कैसे उनके टुकड़े किए गए हैं. ठीक है, अब जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जो अपन कल के लेक्चर में बात करेंगे, वो अपन क्या बात करेंगे मैं तुम लोग को बता देता हूँ. देखो, अपन ने अभी ये टेबल का सीख लिया कैसा क्या है ना, लेकिन अभी अपन ने प्रॉपर्टीज़ की कहीं भी बात नहीं की. ठीक है, तो कल अपन देखने वाले हैं कि जैसे वैलेंसी होती है, ठीक है, वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर होता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स. तो बेसिकली ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ रहा है. तुम लोग समझ पा रहे हो? ठीक है. और स्निग्धा ने एक बीच में क्वेश्चन पूछा था कि सर ये जो आपने ये जो ए बी डिवीजन किया गया है ना, कि ये सेकंड ए सेकंड बी क्यों किया गया है. तो वैसे मैं अभी भी बता देता हूं और मैं कल तो लिखवाऊंगा ही, पर मैं अभी भी तुम लोग सुन लो. इसको अपन बोलते हैं ब्रिज एलिमेंट्स. ठीक है स्निग्धा, क्या बोलते हैं देखो मैं बता देता हूँ क्या मतलब है इसका. हाँ बता रहा हूँ शेंगी क्या. देख एम जी जैसे बीच में देख, ठीक है, अपने यहाँ यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखोगे तो सेकेंड और थर्ड पीरियड जो है, क्या यहाँ पे तुम लोग को डिवीजन दिख रहे हैं? नहीं, यहाँ पे ये देखो एक बार, मतलब हाँ डिवीजन तो मतलब ए बी है, पर ये देखो एक ही साइड है दोनों, और बाकी नीचे देखोगे तो एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट. समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये जो बेसिकली सेकेंड और थर्ड बोलते हैं ना, सेकेंड और जो थर्ड होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स. ठीक है, तो सेकंड और थर्ड किसके, सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को बोला जाता है टिपिकल. मतलब ये पूरा एक टिपिकल एलिमेंट्स का ग्रुप है ना, टिपिकल एलिमेंट्स ये हो गए. और इसके बाद तुम ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम जो है बेसिकली नीचे क्या है, कैल्शियम और जिंक है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी असेंबल करता है. तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक ब्रिजिंग एलिमेंट है. ठीक है, इसको अपन मैग्नीशियम को ब्रिज एलिमेंट भी बोलते हैं. तो ब्रिज क्यों बोलते हैं, ये कुछ ऐसा है देखो, मैग्नीशियम और फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड ए और सेकेंड बी, तो दोनों की प्रॉपर्टी असेंबल हो रही है, एसआर और सॉरी ऐसा नहीं, सी ए और कैल्शियम एंड जिंक. ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया ब्रिज एलिमेंट. ठीक है, तो मेन रीजन क्या था स्निग्धा अपना डिविजन करने का, कि ये प्रॉपर्टी जो थी ना इनकी काफी ज्यादा रिसेंबल करती थी और कुछ कुछ अलग थे, तो इनको अपन ने ऐसा अलग कर दिया गया था. ठीक है, एक रीजन अभी के लिए तो ये मान के रख सकती है, आगे और भी रीजन है तो मैं और क्लियर कर दूंगा. अभी इतना क्लियर है क्या सबको कि कैसे टेबल टूटी, कैसे मैग्नीशियम आना? ठीक है, तो अपन ने काफी ज्यादा काफी अच्छा, अरे अरे क्या हो गया ये, माइक म्यूट करो, किसका बेस दे रहा है माइक इतना. ठीक है, ओके, तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या देखा सर, बहुत कुछ देखा है ना. तो मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ तुम लोग को. आज अपन ने मेनली देखा था कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे बेस्ड है ना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में अपन को क्या क्या पढ़ना है. फिर अपन ने देखा कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से एनोमलस पेयर और आइसोटोप की दिक्कत सॉल्व हो गई है ना. फिर अपन ने और आगे देखा कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड एट ग्रुप की पोजीशन वगैरह ये सब कैसे कैसे अलग अलग हैं. ठीक है, कल अपन देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी होती हैं. ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं कल, है ना. ओके.